अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मटर कीमा पुलाव। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है। इस पुलाव में आपको हर चीज़ बताई जाएगी कि कितना पानी आपने डालना और आपके जो चावल होंगे वो खिले खिले बनेंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने चावल लिए जो तकरीबन 2 गिलास थे, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। जब हम चावलों को पकाएंगे पानी डाल के, तो उसमें हम उसी ग्लास से नापेंगे जिस ग्लास से हमने चावलों को नापा था। 1 कप मटर लेंगे, चिकन का कीमा लेंगे 1 कप, आप बीफ या मटन का भी ले सकते हैं। टमाटर लेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए, प्याज लेंगे 1 मीडियम साइज की कटी हुई, ऑयल लेंगे 1/2 कप, 4-5 हम लेंगे हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, साबुत गर्म मसाले में लेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, काली मिर्चें लेंगे 5-6, 1 काली इलायची लेंगे और 4 अदद लौंग लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून और साबुत जीरा लेंगे 1 टेबलस्पून। तो एक बर्तन लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें ये कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याजों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। जितना ज़्यादा आप गोल्डन ब्राउन प्याज को करेंगे उतना डार्क कलर आएगा, जितना लाइट करेंगे तो लाइट कलर आएगा। तो ये हो गए, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें डालेंगे ज़ीरा और ये सारा गरम मसाला मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे कि प्याज हमारे जले ना। मिक्स करेंगे, इससे प्याज जलेंगे नहीं, मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं होंगे। तो ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे। अब फिर से फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे टमाटर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें, मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, कवर करके टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए मीडियम फ्लेम पे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे कीमा। प्लीज़ आप मटन और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं चिकन खाती हूँ तो इसलिए मैं चिकन का ले रही हूँ। तो ये चिकन का कीमा इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। हम चिकन का कीमा ले रहे हैं तो इसलिए ये जल्दी हो जाएगा, अगर आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मटर भी डाल देंगे, मटर भी साथ में डाल देंगे। अब रखेंगे फ्लेम हाई और हाई फ्लेम पे इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छे से, सिर्फ 5 मिनट तक। अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, मिक्स करेंगे इसे। तो ये देखें, मटर भी हो गए हैं और कीमा भी गल गया है। थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे कि जितना थोड़ा पानी रह गया वो खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें हम 4 गिलास पानी के डालेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 वाला। फ्लेम हाई करेंगे, उसी ग्लास से हमने पानी को नाप के डालना है जिस ग्लास से हमने चावलों को नाप के भिगोया था। आप फ्लेम को हाई कर देंगे और बॉयल आने देंगे, उसके बाद इसमें चावल डाल देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम चावल डालेंगे।
मिक्स कर लेंगे अब और पानी खुश्क होने तक इंतज़ार करेंगे और फ्लेम हाई रखेंगे कि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। तो चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, बिल्कुल दम पे रख देंगे और इस पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम पे। 15 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ करेंगे और चावलों को डिश में निकाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो इसको डिश में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही मजे का, बहुत ही ज्यादा टेस्टी मटर कीमा पलाव। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत ही मजे का बना है ये। तो अगर आपको ये कीमा मटर पलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइफ विद अमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।